वेलकम बैक टू कूल अफ्तर गेमिंग फ्रेंड्स एंड सो सॉरी यार, पहले ही बोल देता हूँ कि बहुत दिनों के बाद अपलोड कर रहा हूँ। और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब करके रखा है ना, बहुत बहुत भाई थैंक यू भाई, दिल से कह रहा हूँ। और जिन्होंने भी नहीं किया ना, प्लीज़ कर लेना है। अब से मैं कोशिश करूँगा महीने में लगातार आपको ऐसा ही नया वीडियो देते रहूँ। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो नया गेम है, तो उसके लिए गाइस बहुत दिन लग चुका है, लेकिन क्या करूँ, बहुत सारा प्रॉब्लम था पर्सनली। सो गाइस देखिए, जैसे कि मैं यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैंने एक फीमेल कैरेक्टर चूज़ किया है। तो यहाँ मैं आपको फेशियल से लेकर के हेयर स्टाइल, बॉडी शेप, हर चीज़ आप चेंज कर सकते हो, इवन कि आई का भी डिज़ाइन है इसमें। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि पैल वर्ल्ड का गेम के लिए अब सब पागल है बहुत खेलने के लिए, लेकिन किसी के पास ऑप्शन नहीं था मोबाइल में खेलने का, तो वो आ चुका है, इसी महीने में लॉन्च हुआ है। आपको कई सारे यहाँ सा गेम मिल जाएगा जिसमें पोकेमॉन को पकड़ के आप उसको अब इवॉल्व कर सकते हो, या तो आप उसको रिटेम कर सकते हो। लेकिन इस गेम में ऐसा नहीं है भाई, ये डिटो कॉपी है पैल वर्ल्ड का। और कैसे भी कह सकते हो कि फोन वर्जन का जो है आर्क गेम और यूटोपिया दोनों का मिक्सचर है। तो लेकिन काफ़ी हद तक इसमें बहुत कुछ अच्छा है जो आपको मज़ा देगा गेम खेलने में। तो चलिए देखते स्टार्ट करता हूँ। कैरेक्टर का नाम रख चुका हूँ अफ्तर 7X। तो गाइस, यहाँ में आप जब सर्वर चूज़ करोगे, और हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख रहे हैं आपको जो लैंडस्केप में नहीं है, तो आगे चल के दिखाऊंगा इसको कैसे आपको लैंडस्केप में करना है। तो पहले सर्वर चूज़ कर लेता हूँ, फ्री सर्वर में आ चुका हूँ। और पहले ही बता देता हूँ, हमेशा नीचे तरफ आना है यार, ऊपर में जो भी है पहले आपको ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर नहीं जाना है। और जहाँ पर दिखेगा एक एक सर्वर में 8 जन होते हैं, तो जिसमें कम मिलेगा आपको वहीं पर जाके क्लिक करिएगा, और सेम सर्वर में आपको सब कुछ मिलेगा। तो गाइस देखते हैं, वीडियो शुरू हो गया है, स्टार्टिंग। Thank you.
सो फ्रेंड्स आ चुका हूँ टेलीपोर्टो के मैप पे। तो देखिए भाई यहाँ पे आपको सारा ऑप्शन मिलेगा, तो आपको जो सबसे अच्छा लगे वो ले लेना। लेकिन मेरे को लास्ट वाला ऑप्शन सही लगा कि इसका थोड़ा कंट्रोल जो है थोड़ा बड़ा है, तो इसको कंट्रोल करने में बहुत आसानी होगा। तो एक बार सारा ट्राई करके देख लेता हूँ। और बीच एरिया यार मस्त है। चलिए और नज़दीक एक में यहाँ पे आपको एक मॉन्स्टर मिलेगा, बिग बॉस फ्लाई वाला, एक बटरफ्लाई रहेगा, फायर पावर है इसका, तो आपको बाद में जाके दिखाऊंगा। पहले कंट्रोल वगैरह दें तो सभी सही है। अरे भाई इतना जल्दी लेवल अप। तो जो भी जितना भी पत्थर और लकड़ी जो भी मिलेगा आपको, पड़ा हुआ चीज़ जो भी सामान रहेगा आपको उठाने पर ही आपको मिल जाएगा लेवल अप। और भाई यहाँ पे आपको अपग्रेड करने का भी ऑप्शन है स्टेटस, तो देखिए भाई यहाँ से करना पड़ेगा। HP स्टेटस, अटैक, डिफेंस नहीं कर सकोगे, वर्क स्पीड रहेगा, तो डीएल्स वहाँ पे सब दिया है। तो मैंने पहले वर्क स्पीड जो है उसको अपडेट कर चुका हूँ, क्योंकि जल्दी वो काम में आएगा बेस का काम करने मिले। और यहाँ पे जो ऑप्शन है टेक में, तो यहाँ पे आपको अनलॉक करना है हर एक आइटम को, तो फिर आप काम कर सकोगे। तो फटाफट काम कर लेता हूँ। मेरा टर्मिनल जो है ये अगर आप इंस्टॉल नहीं करोगे तो आप बेस बना नहीं पाओगे। तो पहले सेफ जगह आपको देखना है, लोकेशन जहाँ पे आपको रिसोर्स वगैरह जो नज़दीकी मिल जाएगा। तो पहले थोड़ा एक्सप्लोर कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। और एक तो पोकेमोन को भी अभी कैप्चर करूँगा, तो देखते हैं। पहले इसको कर लेता हूँ एक लेवल, एक का है तो ठीक है। अपना जो लेवल रहेगा उसी लेवल के हिसाब से अगर करोगे तो उसका जो स्किल रहेगा तो आपको अनलॉक मिलेगा, नहीं तो आप ज़्यादा पावर बड़ा रहोगे तो लोगे तो उसका अनलॉक नहीं होगा। आगे चल के जब अपना लेवल अप होगा तभी आप कर सकोगे उसके स्किल यूज़। तो फटाफट इसको कर लेता हूँ यार, तो बिना ये पॉइजन बारिश छोड़ रहा है यार, पीछे नहीं छोड़ रहे हैं तो बादल। चलो भाई इसका तो परसेंट सही दिखाया, देखता हूँ कैप्चर हो जाए। अरे यार अभी भी नहीं हुआ, थोड़ा और डैमेज देता हूँ। जितना आप डैमेज उसको दोगे तो उतना परसेंटेज बढ़ेगा, जैसे कि देख सकते हो फटाफट हो गया 91% दिखाया था। ओके लेवल अप, और लेवल भाई भाई लेवल अप भी हो गया, क्या बात है यार, जल्दी जल्दी लेवल अप होते हैं यहाँ पे यार, मज़ा आएगा तो गेम तो भाग ही रहा था। अच्छा यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, मोजो का भी है। तो चलो भाई पहला तो कामयाबी हो चुका है। और अच्छा तो यहाँ पे और कुछ कमांड भी दे सकते हो उसको, तो ठीक है आगे चल के इसका सारा इस्तेमाल करूँगा, देखूँगा अटैक न करने का और बहुत कुछ है यहाँ पे। तो पहला तो जो भी सामान फ्री का मिल रहा है तो ले लेता हूँ। और बॉडी मिले 10 बॉल मिल गया यार मेरा बॉल, तो ठीक है भाई क्लेम कर लो फटाफट सारा जो भी है यहाँ पे आपको सारा मिलेगा, बिना पैसा का जो भी फ्री मिलता है भाई फटाफट पहले ले लो, क्योंकि अगर हर कोई तो भाई पैसा से कोई गेम नहीं खेलता है। तो ठीक है चलो भाई हो गया पहला पोकेमोन, तो देख लेता हूँ इसका थोड़ा। और इतना सारा गिफ्ट मिला है तो इसको बाद में यूज़ करूँगा, इसको अभी कोई अभी इसको नहीं खोलूँगा पैकेज को, क्योंकि जितना मैं ज़्यादा अपना रिसोर्स कलेक्ट करूँगा उतना लेवल अप होने का ज़्यादा चांसेस ज़्यादा है। तो इन सबको रख देता हूँ, पहले देख लेता हूँ क्या क्या है। तो अपना थोड़ा सा स्टेटस बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा HP बढ़ा लिया। तो चलो ठीक है भाई निकलता हूँ। और ये है मैप में मैं यहाँ पे हूँ, तो बहुत ही जो भाई बताया फी हुए। तो ये वाला पोकेमोन जो है लेवल इसका लेवल थोड़ा कम है, तो इसको पहले मैं कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है पहले ये स्टैचू क्या है देख लेता हूँ, ले सकता हूँ क्या। अरे भाई ये क्या चीज़ है। सो भाई ये अगर स्लाइड करके जाओगे तो आपका स्टैमिना बढ़ जाता है, तो ठीक है कूदी मारने का गुलाटी मारने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपको स्टैमिना कम हो गया तो उसको आप स्लाइड करके जाके भी आप अपना स्टैमिना बढ़ा सकते हो, तो बढ़िया है यार, अच्छा चीज़ पता लग चुका है। सो गाइस ये दूसरा पोकेमोन लग रहा है, थोड़ा अलग सा है, तो इसको पहले पकड़ लेता हूँ। भाई इसका पोकेमोन का जितना भी नाम है भाई बहुत अजीबोगरीब है, तो उसको मैं प्रोनाउंस नहीं करूँगा, लेकिन इसका शायद वोल्टास या कुछ है। और इसका बहुत छोटा है यार, इसका जो पढ़ने में बहुत मुश्किल होता है, यहाँ पे हर चीज़ जो लिखा ही रहेगा बहुत आपको छोटा छोटा दिखेगा। तो ठीक है आगे चल के शायद इसका अपडेट देगा तो इसको थोड़ा डिफेंड कर सकता है शायद इस गेम में, पता नहीं कैसा है, लेकिन इसका सर्वर का बहुत प्रॉब्लम था लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा ठीक है। तो चलो भाई सेकेंड वाला पोकेमोन भी आ चुका है, इसमें 5 पोकेमोन कैप्चर करके रख सकते हो और बाकी सब अपना बेस में रहेगा। तो ठीक है भाई इसका भी बहुत सारा काम है, हर एक पोकेमोन का अलग अलग इस्तेमाल है इसमें, जैसे कि हेल्प कर सकता है, प्लांटिंग कर सकता है और ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ठीक है स्केल भी देखो भाई इसका, लेवल 1 में जब कैप्चर किया था इसका अनलॉक है, इसका अनलॉक नहीं है क्योंकि मेरे लेवल के ऊपर है,
लेवल टू नहीं तो ये तो यार मेरा लेवल तो 3 हो गया है, पता नहीं थोड़ा इसको बाद में पता करूँगा कैसे क्या होता है, क्योंकि सारा डिटेल्स इस गेम में आपका ऑप्शन है जहाँ पे आप सब कुछ जान सकते हो। तो ठीक है प्रॉफिट कलेक्ट कर लेता हूँ। और क्या भाई 1 मिल गया भाई, लेकिन ये बहुत छोटा है, इस क्या काम है। अच्छा खाने के लिए तो ठीक है डक का है, तो चलो भाई यहाँ का काम तमाम, जितना भी पोकेमोन अभी जो भी है सब सेम ही है, दोनों जो मैं कैप्चर कर चुका हूँ पहले, तो देखता हूँ। अरे भाई डक मिल चुका है, अंडा देने वाला पोकेमोन, तो इसको पहले कैप्चर करूँगा, फटाफट से कैप्चर कर लेता हूँ उसको, एक पोकेमोन से उसको लड़वा के अपना करूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी कोई टूल नहीं है, वेपन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो चलो भाई अटैक करता हूँ, ताकि अपना पेट जो है पार्टनर उसको अटैक करे, थोड़ा डैमेज दे दे कि मैं कैप्चर कर पाऊँ। अरे भाई 34 जिससे सामने से देने से कोई काम में नहीं है। ये देखो भाई सेम टू सेम पोकेमोन जैसा ही है यार, तो चलो यार पीछे से करना पड़ेगा फिर। तो चलो भाई परसेंटेज से दिखाया 81 हो भी जा, फटाफट हो जाओ जाओ। चलो भाई तीसरा पोकेमोन आ चुका है, ये भाई कहाँ चला गया। अरे यार नहीं बहुत नीचे फेंक गया, कोई बात नहीं इसको रिटर्न ले सकता हूँ, बहुत बड़ी बात है यार, इतनी तो गया था यार, बच गया सही है। तो ये क्या काम का है, तो ये गैदरिंग करने का भी काम आएगा ये प्लांटिंग में, तो इसमें फार्मिंग में बहुत अच्छा रहेगा। और ये वाला क्या ऑप्शन है मेरे को नहीं पता है, तो बाद में पता चलेगा। एक और ऑप्शन दिखाया कुछ रेलिंग जैसा था प्लांटिंग के, कुछ पता नहीं क्या था यार, सॉरी यार प्रोनाउंसिएशन मेरा बहुत ख़राब है यार। तो पर जितना भी कैप्चर करते हो पोकेमोन, तो उसका भी जो हार्ट वगैरह जो है यहाँ का कलेक्ट कर सकते हो, तो उसको स्कोर भी बाद में कुछ ना कुछ एक्सचेंज करने में काम आएगा। तो फटाफट अपना जो भी है आइटम अनलॉक होने वाला है तो वो कर लेता हूँ। लो भाई फेस का भी सेट अनलॉक कर चुका, हाँ जो बता रहा था भाई जितना भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इस ऑप्शन में आपको मिल जाएगा जर्नीस में। तो यहाँ पे आपको जितना भी क्वेश्चन रहेगा या तो जो सॉल्व करने की क्या सब करना है नहीं करना है, जो भी सवाल रहेगा आपको मन में या जानना इस गेम बारे में, सारा डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा आपको। अगर आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया तो आपका भाई है ना, जितना भी आएगा प्रॉब्लम प्लीज़ कमेंट कर देना, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो गाइस यहाँ तो बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है यार हर चीज़ का, मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। पोकेमोन भी सही खतरनाक है, मज़ा आ जाएगा यार। पैल वर्ल्ड जैसा ही है लेकिन थोड़ा अलग सा है, थोड़ा कार्टूनी है, लेकिन सही है यार, खेल तो गेम तो गेम होता है। थोड़ा ग्राफिक बढ़ा लेता हूँ, और यहाँ पे आपका जितना भी सेटिंग वगैरह है जो भी अपना कर सकते हो, तो मेरा नॉर्मल सेटिंग सही था, थोड़ा सिर्फ मैं ग्राफिक में थोड़ा बढ़ा चुका हूँ हल्का सा, थोड़ा हाई कर चुका हूँ। तो चलिए देखता हूँ आगे, देखिए एक और है पिक जैसा दिख रहा है मेरे को यार, हेड भी तो है। चलो यार इसको पकड़ लेता हूँ पहले, हो गया चलो 40%, क्या बात है यार जल्दी हो गया लेवल अप भाई, कितना जल्दी भी। अबे स्टार्ट करते हुए ज़्यादा नहीं हुआ देर, अभी 10 ही मिनट हुआ है कि तब तक मैं 4 लेवल बना चुका हूँ, क्या बात है यार जल्दी जल्दी लेवल अप हो गया। तो अपना भी थोड़ा स्टेटस वगैरह जो भी कर लेता हूँ, तो पहले इसका देख लेता हूँ क्या है। तो इसका सिर्फ फायर वाला ही आइटम, तो चलिए भाई जब मैं इसको मेटल का कोई काम रहेगा तो ये काम आएगा फायर वाला पोकेमोन है। और ये एक और है तो देखता हूँ, ये ग्रास वाला है शायद, वो भी जा। अरे यार और थोड़ा डैमेज देना पड़ेगा इसको, सामने से करता हूँ तो परसेंटेज कम दिखाता है, पीछे से हाँ साइड से थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है, तो यहाँ फिर भी रिफ्लेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं मिल जाएगा 70% मतलब हो जाएगा। हो गया हो गया, अब बात है यार हो गया मेरा 5 कंप्लीट पोकेमोन। तो पोकेमोन पकड़ने का काम ख़त्म, तो भाई मस्त ये पोकेमोन थी यार, ये बॉक्स दिखा मेरे को, खाना भी लेना पड़ता है। हाँ भाई ये स्ट्रॉबेरी वगैरह जितना है ना कलेक्ट करके रखो, ये नॉर्मल चेस्ट है मतलब। अच्छा 3 चीज़ मिला है फोर्स्ट ऊपर क्या पता नहीं ये फोल, हाँ तो ये काम आएगा बाद में। स्मॉल मीरा स्पिरिट, तो ये पोकेमोन का स्पिरिट है, ये भी काम आएगा, तो कलेक्ट करके रखता हूँ, तो सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो भाई अपना स्टेटस थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, वॉट स्पीड थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, उनका भी मेरे को बेस्ट बनाने के लिए काम आएगा, फटाफट काम होगा तो अच्छा है। जितना हो सके मटेरियल जुगाड़ कर लेता हूँ भाई, फिर जाके बेस्ट यूज़ करता हूँ। ये इसको क्या करना है, होगा क्या बिना टूल्स का नहीं होगा, तो क्राफ्ट करना पड़ेगा सर। तो चलो यार हो भी जाए, एक तो निकल बेहतर की नहीं निकलने वाला, कोई बात नहीं है थोड़ा खाना जुगाड़ कर लेते कि मेरा भूख लगने वाला जल्दी, हाफ ख़त्म हो चुका है, तो जल्दी से इसको कलेक्ट कर लेता हूँ। और भी दिख रहा है यार, ग्राफिक वगैरह जो कंट्रोल वगैरह सभी सही है, लेकिन इसका थोड़ा सर्वर का थोड़ा प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग में है तो गेम अभी डेवलप
डेवलप हो रहा है और भी होगा शायद फ्यूचर में। वो भाई बड़ा वाला एक दिखा है मेरे को, अभी इसको लेना है। मैप में देख लेता हूँ भाई, ये जगह सही है भाई ये मैप। यहाँ पे फिर अंडा मिलता है क्या, इसमें आके देखूँगा बाद में भी। तो पहले अरे भाई यूज डंप मेरा वो एक, तो भाई एक एक मिल चुका है और मेरे को ये खंडर मिला है भाई। तो मैं यहाँ पे आके कुछ बेस बनाने का सोचूंगा अभी। तो देखता हूँ पहले अपना बाकी सब स्टोर वगैरह सब सही है। तो भाई थोड़ा मीडियम कर लिया भाई, क्योंकि भाई फ्रेम थोड़ा लैक हो रहा था। भाई ट्रैवल नोट मिला है बिलियंस। तो ये भाई पता नहीं कहाँ पे, यहाँ पे भी नहीं गया, कहाँ पे गया, कोई बात नहीं मिल तो गया है नेक नेक। तो अपना वर्क भी थोड़ा लेवल अप कर लेता हूँ, स्टेटस थोड़ा बढ़ा चुका हूँ। और भाई क्या मिला भाई, मिल गया भाई स्मॉल मेरा स्पिरिट एक और मिल चुका है भाई। ये पड़ा हुआ मिलता है क्या, मेरे को लगा चेस बॉक्स में मिलेगा, एक और मिला भाई, क्या बात है। सारा कलेक्ट करके रखता हूँ, ये बाद में काम आएगा आपको। अरे यार क्या बात है यार, तीन चार तो यहीं पे मिल गया एक और। अरे यहाँ पे तो की भी मिला है मेरे को, क्या क्या डंजन का की है भाई। और एक नया फूड भी मिला है, और ये भाई अंडा मिला है भाई मेरे को बड़ा वाला पोकेमॉन वाला। तो इसको पहले संभाल के रखना पड़ेगा। तो पहले फटाफट इसको अपना बेस बना लेता हूँ। तो इससे पहले आपको ये मेरा जो टर्मिनल है इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी जाके आप अपना बेस का जितना भी जो भी सामान रहेगा आप बना सकते हो। तो कहाँ पे करूँ, ये दीवार का कन्वर्ट देखिए करता हूँ, मिडिल में रहेगा तो बढ़िया है। चलो भाई एकदम सेटिंग कर चुका हूँ, फटाफट कर लेता हूँ। देखो भाई वर्क स्पीड कितनी जल्दी होगा। तो इसको भाई इतना भी पहले आप लेवल अप कर लोगे तो उसका अपना वर्क स्पीड या स्टैमिना अपना जो एचपी रहेगा ये तीनों में ज़्यादा इस्तेमाल करना। और भाई यहाँ पे सारा अपना जो पॉकमन पकड़ के रखोगे तो सारा यहाँ पे, तो लेवल अप भी करना है पॉकमन रखने के लिए काम है। तो लेवल अप करने के लिए मेरे को स्टोर बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले मेरे को टूल जो भी है वो क्राफ्ट करना है। तो उसके लिए टेबल चाहिए, वर्क बेंच, तो वर्क बेंच हो गया तो भाई फटाफट कर लेता हूँ। कुल्हाड़ी वगैरह जो भी है, अरे भाई एक हुआ एक और कब कर पाऊँगा क्या, मटेरियल ज़्यादा तो नहीं है मेरे पास। क्या हो गया था भाई, अटक क्यों गया था, अच्छा ठीक है अभी हो गया। चलो भाई टूल्स वगैरह हो गया, जल्दी जल्दी खाना वाना खा लेता हूँ। कितना खाली हो गया था अपना फटाफट। तो ऐसे यूज़ करने इसका थोड़ा अलग से डायरेक्टली नहीं कर सकता हूँ, सबका ऑप्शन देगा आपको, खुद भी खा सकते हो, अपना पॉकेमॉन जो रहेगा उसको भी खिला सकते हो। तो सही है, तो अभी बो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मटेरियल्स ख़त्म हो चुके हैं मेरे पास, बाकी कुछ भी खराब नहीं है। रिपेयर वाला जो है बेंच भी सही है, रिपेयर कर सकता हूँ। तो पहले फटाफट कर लेता हूँ, पहला लेना पड़ेगा वुड। तो पहले स्टार्टिंग में आपको वुड और स्टोन मेनली चीज़ है, और भी है ओक, तो वो भी आपको दिखाऊंगा कैसे वो कलेक्ट करना है। तो पहले फटाफट कर ये सब लेता हूँ, फिर काट लेता हूँ फटाफट। और पीछे भी स्टोन चाहिए होता है, ठीक है थोड़ा और कलेक्ट कर लेता हूँ लकड़ी। नहीं यार इस पर यहाँ से नहीं, इस बीच में जाके करूँगा, अगर दोनों कटेगा तो सब मजा आएगा। और भाई फटाफट आ रहा है। अरे भैया अरे भाई क्या हो गया, वेट बढ़ रहा है क्या मेरा, हाँ यार इस फुल हो गया लगता है मेरा बैग। तो चलो भाई मैं सारा जितना भी था करके मरते मरते आया हूँ, अंधेरा भी हो गया। तो स्टोर बॉक्स में इतना अपना जो बॉर्डर है, हाँ भाई तो मैं बोलना भूल गया था कि अपना जो अपना बेस बनाओगे तो 40 मीटर्स का एरिया आपका होगा, तो उसका अंदर आपको सारा क्राफ्ट कर पाओगे, उसका बाहर नहीं। तो मैं इसका नज़दीकी कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी यहाँ पे जितना भी स्टोर करना है यहाँ के कर पाऊँगा फटाफट। जितना बट ये है मेटल भाई, मेटल वाला और क्या, इसमें जब मेटल निकलेगा मेल्ट करने के बाद, तो ज़्यादा कीमती सामान है सारा यहाँ पर रखता हुआ, खास करके जो ज़्यादा वेट बढ़ाता है। चलो भाई अंडा वगैरह जो भी लग देता हूँ कि बस हो गया, और रंगी पाऊँगा ठीक है। तो फटाफट जाके स्टोन भी कलेक्ट करना पड़ेगा अभी। तो एक बार देख लेता हूँ एरिया सही है भाई, भाई एक और मिला है मेरे को। तो भैया जहाँ पे भी मिलता है थोड़ा रुक के ले लेना यार, ये मज़ा आएगा बाद में काम करने में। एक आपका ये बाद में कलेक्ट करने के बाद आपका जो भी पोकेमॉन रहेगा उसका स्टेटस लेवल अप करने में काम आएगा जो स्प्रिट है। तो फटाफट जाके अपना स्टोन कलेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइस स्टोन कलेक्ट करते हुए मेरे को एक मेरा वर्क मिला है, तो स्टोन कलेक्ट करने का नाम भी आपको मिलेगा सही है। तो इसका स्टोन के लिए एक और बॉक्स बना चुका हूँ नज़दीकी।
जितना है भाई इसमें सब रख देता हूँ, अपना जितना बैग खाली रहेगा उतना ज़्यादा सामान ढो पाऊँगा। तो ठीक है चलो हो गया, खाना वगैरह जो भी अपना रख लेता हूँ। भाई यहाँ पे जो काट के रखा था वहाँ बहुत सारा गिरा हुआ है, पता नहीं ये भी रहेगा कि नहीं। हाँ ये भाई है, कलेक्ट कर लेता हूँ फटाफट। भाई बहुत सारा है यहाँ पे, इसको भी काट ही लेता हूँ। सो गाइस जितना भी था कलेक्ट करने का कलेक्ट कर चुका हूँ फिलहाल, थोड़ा अपना जितना सामान है उसको यूज़ कर लेता हूँ। तो रिपेयर वाला जो बेंच रिपेयर सेंटर, तो इसको भी थोड़ा इंस्टॉल कर लेता हूँ कि जल्दी ही इसको काम में लगाऊँगा, क्योंकि अपना जो टूल है इसका ये ख़त्म हो रहा है। तो हो चुका है सो चलो रिपेयर भी कर चुका हूँ, अभी वो भी बना लेता हूँ। यार लॉन्ग रेंज अटैक बहुत काम आएगा यहाँ पे, जितना भी कैप्चर करना है तो यही पे आपको जो पॉकमान रहेगा वो अटैक करना है। सो गाइस यहाँ पे आप अपना जो है मेरा टर्मिनल, तो यहाँ पे आप जो कि स्टोर कर सकते हो अपना जितना भी पकड़ा हुआ पॉकमान है। और अगर जो अपना 5 पकड़ के रखोगे भी, तो अगर फिर भी अगर कैप्चर करते हो तो डायरेक्टली आके यहाँ पे स्टोर होगा। और नीचे का जो है यहाँ पे अगर दोगे तो बेस के जितना भी काम है वो कर पाएगा अपना। तो यहाँ पे अब ये एक ही कर सकता हूँ, तो लेवल अप कर लेता हूँ। बॉक्स वगैरह थोड़ा क्राफ्ट कर चुका हूँ, तो फिलहाल पहले सारे स्टोर कर लेता हूँ अपना पॉकेट यहाँ पे। चलो भाई हो गया, अभी लेवल अप कर लेता हूँ अपग्रेड। बेस अपग्रेड सारा हो गया, वर्क बेंच और पहला रहेगा अभी। अच्छा भाई अभी एक बेड भी बनाना है, तो चलो एक और अनलॉक हो चुका है, तो फिलहाल इसको यहाँ पे रखता हूँ और फाइन वाला पोकेमॉन ले लेता हूँ। और बहुत कुछ बनाना है, क्राफ्ट करना है, लेकिन उसके लिए मटेरियल्स नहीं है, तो उसको सो गाइस जितना भी ज़रूरत था वो सारा क्राफ्ट कर चुका हूँ। लेकिन यार यहाँ पे नज़दीकी पेड़ का मैं देखा नहीं, तो इसको अपना बेस का नज़दीक करना है। तो उससे पहले आपको जब अपना बेस को अगर हटाना है, तो उसको पहले आपने जितना भी सामान रहेगा बॉर्डर एरिया में उसको पहले हटा लीजिएगा, उसके बाद जाके अपना जो मेरा बेस है इसको मूव कर पाओगे। तो देखता हूँ ये नज़दीक करूँगा यहाँ पे, ताकि मैं अपना पॉकेमॉन का इस्तेमाल कर सकूँ पावर। तो ऑटोमेटिकली गैदर करता रहेगा अपना जितना भी वुड है, तो इसको भाई इसको डिस्ट्रॉय ही करना पड़ा क्योंकि मूव होने वाला नहीं था। तो कोई बात नहीं, इतना ही पॉकेमॉन अभी सारा गायब हो चुका है, पता नहीं उसमें लगेगा कि नहीं। तो देखता हूँ करके अभी, तो यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ कि दोनों तरफ। भाई फटाफट करता हूँ, पॉकेमॉन तो गायब नहीं होना चाहिए यार। हाँ भाई सब है, मजा आ गया। तो लकड़ी गैदर करने के लिए भी जो पॉकेमॉन वगैरह जो है उसको वहाँ पे रख सकूँगा। और देखो भाई कितना सारा पेड़ आ चुका है, स्टोन वगैरह भी जो भी रहेगा आपको अगर बेस में ऐसा कुछ मिलेगा जहाँ पे बहुत सारा स्टोर को मतलब आपको गैदर करने के लिए बहुत आसानी होगा, तो ऐसे भी बेस आप चूज़ करते हो जल्दी जल्दी कर पाओगे पॉकेमॉन का इस्तेमाल करके। तो फिलहाल मेरे को अभी ज़रूरत नहीं है इतना, क्योंकि नज़दीकी में सब कुछ है और मेरे को खंडर को अपना बेस बनाना है, तो मैं यहाँ पे बेस बना हुआ तो यहाँ पे कुछ है नहीं। तो ठीक है, क्योंकि बाद में जाके अपडेट करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा जहाँ पे आप स्टोन और लकड़ी वगैरह गैदर करने का जो ये है सामान आपको क्राफ्ट करने का मिलेगा, तो आपको बाद में जाके पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो भाई ये बेड बनाना है अपना समय का, तभी जाके इसको अपडेट करवाऊँगा। तो चलो जितना अपग्रेड करूँगा अपना बेस लेवल, तो उतना ही ज़्यादा जल्दी जल्दी अपना पॉकेमॉन का इस्तेमाल कर पाऊँगा। तो फटाफट कर लेता हूँ बेड, बेड का अनलॉक नहीं हुआ है क्या? तो चलो मैं अनलॉक कर लेता हूँ। अरे भाई इतना सारा लेवल अब हो गया, अनलॉक ही नहीं किया सील्ड। अरे भाई क्या बात है, ये क्या चीज़ है, पता नहीं काम आएगा। रेंज अच्छा चाहिए पॉकेमॉन के लिए, पॉकेमॉन का बेड भी है। फटाफट सारा जितना भी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसको पहले कर अनलॉक कर लूँगा, क्योंकि वो सब क्राफ्ट करने में वो जल्दी काम आएगा। जो अनवांटेड चीज़ जैसे कि सजाने का वो सब नहीं करूँगा यार, क्योंकि यहाँ पे रहेगा जैसे कि देखो भाई फर्नीचर वगैरह सेट है, ये बेकार का इस्तेमाल नहीं करना है मेरे को, अभी ज़रूरत भी नहीं है, तो उसको मैं अनलॉक नहीं करूँगा। तो फटाफट बेड क्राफ्ट, अरे नहीं कर सकूँगा यार, मटेरियल्स चाहिए। तो ठीक है मटेरियल्स जुगाड़ करके लाना पड़ेगा अभी। देखो भाई ये ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुका है, तो बहुत लेट है, पहले खुद ही कर लेता हूँ, फिर बाद में जब इसका पॉकेमॉन ज़्यादा हो जाएगा तो मेरे को करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, स्टार्टिंग में तो करना ही है। तो फटाफट कर लेंगे, देखता हूँ बेड होता है कि नहीं।
हाँ हो जाएगा, चलो सेंटर में डाल दूंगा अभी, बस हो गया। तुम बीचों बीच आ जा, आ गया भाई हेल्पिंग हैंड देने में, क्या बात है भाई। इसका नाम है क्या, छिपी, क्या नाम है यार। चलो भाई अभी ज़्यादा जल्दी जल्दी फार्मिंग करने का भी ये करना पड़ेगा, बेस बनाना पड़ेगा फार्मिंग करने का, बेड जो है। सॉरी यार मैं क्या बक रहा हूँ मुझे नहीं पता है यार, अभी तो बोलूँगा तो समझ में नहीं आएगा, आपको करके दिखाऊँगा। तो फिलहाल तो इसको पहले जैसा बॉर्डर का करने दिखता हूँ ऐसा कर लेता हूँ, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी अपना ये करूँगा। तो इसको यहाँ पे रख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप स्टोर कर लेगा खुद से ही पोकेमॉन जो भी है। चलो भैया सेंटर में रख देता हूँ जहाँ पे पेड़ नहीं है, बस हो गया। तो अभी इन लोगों का बेड ही बनाना है, तो लकड़ी ख़त्म हो चुका तो लकड़ी फटाफट कट करता हूँ, उसका अकेले से कुछ होगा नहीं। अरे यार कितना स्लो है यार, जल्दी जल्दी करना। सो गाइस अभी अपने जो भी कीमती सामान है सारा यहाँ से निकाल लेता हूँ, और अपना जो बेस है अपना खंडर के अंदर ही रखूँगा। खंडर बोल रहा हूँ यार, ये मेरा बेस बनने वाला है, क्या बात। कोई नहीं यार, चलो फटाफट एक स्टोर बॉक्स नया बना लेता हूँ। तो यहाँ पे सारा जो कीमती सामान है यहाँ पर रख दूँगा स्टोर करके। सो गाइस पहला अपडेट देने के पहले जो आप मर जाते हो तो इस गेम में, तो अपने जो पोकेमॉन है वो भी सारा वहीं पे रह जाता है, तो फिर आपको जाके फिर से कलेक्ट करना पड़ता है। उस दौरान अगर कोई दूसरा प्लेयर आके अगर उसको ले लेता है तो आपका लॉस होता था, लेकिन इस अब की बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अपडेट देने के बाद इसमें पोकेमॉन सारा रह जाता है आपके पास, सिर्फ अपना जो भी सामान होते हैं वो सारा गिर जाता है। तो गाइस जो भी है आपको समझ में आएगा गेम खेलने के बाद, अपडेट देते रहता है यहाँ पे नया नया, तो बहुत डेवलप हो रहा है फास्ट फास्ट। और जो भी है भाई अपना सारा भाई फ्रेम वगैरह जो भी मिल रहा है इसको सारा ये कर दिया है, चलो हो गया। सो गाइस मैं एशिया सर्वर में, जैसे कि आप देख सकते हो, और आपको भी अगर जल्दी जल्दी खेलना है तो भाई फटाफट गेम को डाउनलोड कर लो और मज़ा करो भाई, ये गेम बहुत मज़ेदार है। चलो भाई इसमें इतना कुछ था यार, पहले क्यों नहीं लिया यार। वी आई पी पास मिला तो इसको भी यूज़ कर लूँगा, शायद इसका कुछ प्रॉफिट मिल जाए। तो पहला फ्री में आपको वी आई पी पास 3 मिलेगा, उसके बाद जाके आपको खरीदना पड़ेगा। तो मैं तो फ्यूचर में भी खरीदने वाला नहीं हूँ, फ्री में ही खेलूँगा इस गेम को जितना हो सके। हाँ अगर ज़रूरत पड़ेगा तो करूँगा, क्योंकि मेरे को ज़्यादा पैसा में गेम में पैसा लगाने का कोई ये नहीं है, शौक नहीं है, और है भी नहीं भाई मेरे पास उतना भी। तो ठीक है भाई, तो फटाफट इन लोगों का खाने का जो है इसको लगा देता हूँ, फीडिंग बॉस बेड कहाँ लगाऊँ कहाँ लगाऊँ, हाँ ये सही है इधर। तो नज़दीक अब इसका बेड भी बना लूँगा, ये लो ये भी आके हेल्प करो भाई, फटाफट हो गया। और ये है भाई ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड तो इसको कहाँ लगाऊँ, यहाँ पे फार्म कर। चलो तो जितना भी स्ट्रॉबेरी वगैरह है जो यहाँ पे फार्म करूँगा अपने खेतीबाड़ी करने के लिए, बढ़िया है, खाने का टेंशन गया अभी। देखो भाई ये प्लांटिंग करने में काम आ गया भाई, मेरे को अभी वाटर पोकेमॉन चाहिए, क्योंकि एक तो लगाने का एक को उठाने का रहेगा, लेकिन पानी देने वाला भी एक चाहिए होगा। जैसे कि देखो भाई प्लांटिंग कर रहा है, मेरे को पानी देना है, पानी अगर नहीं दूंगा तो ये ग्रो नहीं होगा पौधा, ग्रो होने के बाद इसको गैदर करने के लिए आएगा। देखो भाई कितना सारा हो गया, कितना मिलता देखता हूँ, क्या 5 मिला है मेरे को क्या, फिर से देखता हूँ एक और बार, 5 ही मिलेगा क्या एक ही बार में। अरे भैया कुल्हाड़ी कितना बड़ा हो गया भाई, ये कौन सा ग्लिच है। अरे यार मस्त एक्स मिला है, ऐसा ही रहना चाहिए भाई, मज़ा आ गया भाई। कितना बार अभी कोई भी आ जाए मार डालूंगा, आ जा भाई एक बार इस्तेमाल करके देखते हैं इसका पावर ज़्यादा है क्या। चलो भाई कलेक्ट तो कर चुका हूँ, देखता हूँ लकड़ी काट के जल्दी जल्दी कटता है कि नहीं। नहीं भाई एक जैसा है, थोड़ा ग्लिच ही है, थोड़ा बहुत टूल का ग्लिच है, बाकी कुछ रिसोर्स का ग्लिच नहीं होता है यहाँ पे।
जो जरूरत है वो ग्लिच नहीं होगा यहाँ पे, फायदा फिर कोई बात नहीं। इसी बात बातें मैं अपना थोड़ा वो लकड़ी भी जुगाड़ कर चुका हूँ, कोई पोकेमोन को इस्तेमाल करके देखता हूँ, मार के उसको पहले रिस्टोर कर देता हूँ। जाओ भाई, अब नज़दीक ही एक सो रहा था, रात हो गया तो इन लोग सब सो जाते हैं, तो थोड़ा इसको उठा के थोड़ा मारने में लग गया, पीटने में थोड़ा देखता हूँ। भाई ये कहाँ से आया भाई, ये अपना, अच्छा अच्छा अपना ही पोकेमोन शायद। हाँ तो अच्छा, तो अपना बेस के नज़दीक जो भी मेरे को अगर अटैक करेगा तो सारा आके उसको धो देगा भाई, क्या बात है। चलो अपना भी निकाल दिया, खत्म। अरे ये तो इधर ही सो गया यार। अच्छा अच्छा, इन लोगों को बेड बनाना भूल गया यार, फटाफट इन लोगों को सोने का जगह बना देता हूँ। सही क्यूट है भाई ये सारा पोकेमोन भाई, मस्त है। और इनका साउंड बढ़िया है, लेकिन भाई पता नहीं कैसे हो गया, सॉरी गाइस, लेकिन मेरा जो म्यूट हो गया था गेम जब रिकॉर्ड कर रहा था, तो उसमें साउंड वगैरह आपको सुनाई नहीं देगा। अगली बार से आपका जितना भी वीडियो रहेगा कोशिश करूँगा उसमें ज़्यादा साउंड मिलेगा इन लोगों का। अरे चलो एक और हो गया, अच्छा दो ही बना सकता हूँ, ठीक है फटाफट कर लेता हूँ, खत्म। ये देखो भाई भाग के आ रहा है सोने के लिए, इन लोग मरे जा रहा है बेड के लिए। तो खाना भाई दे देता हूँ इन लोगों को, खाने स्ट्रॉबेरी ज़्यादा तो नहीं है, चलो पका लेता हूँ पहले। तो पहले अपना स्ट्रॉबेरी पका सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास वही है सिर्फ, बाकी कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे मैं गैदर करूँगा नया नया टाइम, तो उसको पकाने के लिए यहीं पर आना पड़ेगा। तो सही है यार, थोड़ा पकाने का भी सामान मिल जाता तो अच्छा था, गिफ्ट में तो नहीं था यार कुछ खाने का, एक ही था बर्गर शायद। हाँ बर्गर मिलेगा आपको, बर्गर नहीं सब शायद हॉट डॉग था, पता नहीं क्या क्या खाने को देते हैं इन लोग। तो चलो गाइस एक और डेवलप हो चुका है, तो अभी फायर वायर रख देता हूँ क्योंकि पकाने में काम आएगा। मैं इधर में स्टोर रखूँगा तो ऑटोमेटिकली वो जो भी है कुक करने का वो कर देगा। तो फिलहाल तो मेरे पास है ही नहीं है, तो जो पका हुआ सामान है इसको भी देना पड़ेगा। तो पहले फार्म करना पड़ेगा जल्दी जल्दी से, थोड़ा कर लेता हूँ यार। वाटर देने का, वाटर पोकेमॉन मेरे को चाहिए यार, नहीं तो पानी देने वाला नहीं रहेगा तो ये ऐसा होगा नहीं ऑटोमेटिकली, ये टेंशन रहेगा। तो ठीक है देख लेता हूँ मेरे को कोई है क्या भी, ये नहीं, ये भी पौधा उठाने का ही काम आएगा, पानी देने वाला। मेरे को लगा था बतख वाला, तो यार वाटर पोकेमॉन होगा ये, कैसा था यार, अजीब है यार ये तो। कोई बात नहीं, ठीक देखता हूँ फिर, पहले जाकर थोड़ा क्राफ्ट बहुत कुछ करना है यार, थोड़ा इसको हटा लेता हूँ। सो गाइस इसको थोड़ा दीवार का नज़दीक हो चुका है कि इसको थोड़ा अलग से करूँगा जगह, तो फिर से इसको नया जगह रिप्लेस करना होगा, यहाँ पे करूँगा क्योंकि नज़दीक जितना होगा पेड़ का तो उतना ही अच्छा रह जाता, पेड़ मिलेगा और जाने आने में ये जगह ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि बाकी मैं ज़्यादा दीवार टूटा फूटा है सारा मैं रिपेयर कर दूँगा बेस बना के, तो ब्लॉक हो जाएगा। तो ये इसको यहाँ पर रखता हूँ ताकि मैं जब टेलीपोर्ट हूँ तो किसी भी साइड पर आऊँ तो काम आएगा। इसको खुला जगह में रखना ही अच्छा यार, ये क्या हो गया यार, फिर से अटक क्यों जाता है यार बनते बनते। चलो कोई बात नहीं, तो सही है भाई। अरे भाई एक स्टैचू दिखा था मेरे को, वही तो बोलो मैं ऊपर क्या है हरा हरा सा, देखता हूँ उसको ले चलता हूँ, कहीं चढ़ पाऊंगा क्या यहाँ पे। तो भाई आपने यहाँ पे पहाड़ भी चढ़ सकते हो, तो दीवार तो चढ़ना क्या है तो यार नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ये यहाँ से वो भी जा। अरे भाई हो गया हो गया, तभी ना बोलूँ भाई ऊपर रखा है तो लेने के लिए तो चढ़ना तो पड़ेगा ही, इसके लिए तो ऑप्शन रहेगा। तो चलो भाई स्टैचू भी मिल गया, और भाई जो आपका स्टैचू है ये काम आएगा भाई अपग्रेड करने के लिए, ये भी अभी एक आप स्टैचू मिलेगा आपको जो बाद में बताऊँगा। यार यार ऊपर में देखो भाई, उड़ने वाला पोकेमॉन रहता तो अभी मैं उड़ जाता, लेकिन तो फिलहाल नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट पे हूँ अभी, इतना सारा तो पोकेमॉन नहीं है फिलहाल, तो मेरे पास पांच ही पोकेमॉन है। तो अभी फटाफट जाके अपना जो भी है ये एरो का एरो बनाना ही पड़ेगा मेरे को, एरो नहीं था। अरे भाई इसी में सारा कच्चा हो गया, बाकी शील्ड बनाना है, ग्लाइडर बनाना है जो पैराशूट जैसा काम आएगा भाई। तो सो गाइस मैं सारा सामान लेके आ चुका हूँ, फटाफट सील वगैरह जो भी है बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी जाने का है नया नया पोकेमॉन पकड़ना है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ भाई लाइक कर देना, और प्लीज़ कमेंट कर देना आपको अगर कोई नया चीज़ दे पोकेमॉन के बारे में समझना है या कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा।
मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने का। और सो गाइस प्लीज़ जो भी नया हो चैनल पे प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर दो। ये कंप्लीट हो चुका है यार, बहुत वेट बढ़ चुका है यार, चल भी नहीं पा रहा हूँ ठीक से। भूल चुका था यार रिप्लेस करने के बाद अपना पोकेमॉन को यहाँ पे रखने के लिए डीएस में ऑफकोर्स। तो भाई गेम का नाम है मेरी बो, तो मैं बोलना ही भूल गया यार। यार ये थोड़ा प्रोनाउंस करना मुश्किल होता है, ऐसा कैसा कैसा अजीब और गरीब नाम था, तो इसको मैं मेरा ही बोलूँगा, मेरा गो, मेरा बो तो नहीं बोलूँगा, मेरा ही बो। क्या नाम है यार, एक और करना है लेकिन मेरे को अभी ये सब बनाना है। अच्छा मैं अगर रिप्लेस करता हूँ तो ये सब भी अनइंस्टॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली। अच्छा अच्छा तो ये बात है यार, तो यार ये याद रखना पड़ेगा, मेरे को भी नहीं मालूम था। तो फटाफट कर लेता हूँ पेट वगैरह जो है, तभी ना बोलूँ मैं वहाँ पर क्यों दिखा रहा है, मैं तो बना चुका हूँ दोनों ही। चलो भाई ये कम्प्लीट हो चुका है, एक और मेरे को बनाना है। तीन मैंने आउटपोस्ट में रखा है, ये देखो भागता हुआ आ रहा है, सोने के लिए मर रहा है क्यूट है यार भागने का स्टाइल भी। अरे भाई क्या स्टाइल पे जो है यार, ये एक और कहाँ है, एक और कहाँ है, एक और कहीं पे जाके सो गया होगा, ये क्या हो गया, खाना खत्म हो गया मेरा। अच्छा यार मेरा मरने वाला था, एचपी कितना कम हो गया यार, मतलब खाना खत्म तो अब खुद भी खत्म हो जाना है फिर तो। कोई नहीं चलो, खाना था तो बच गया यार, फटाफट जाके मेरे को वाटर पोकेमॉन कैप्चर करना ही पड़ेगा। उससे पहले जितना भी क्राफ्टिंग वगैरह है वो सारा कंप्लीट कर लेता हूँ। और ये क्या, ये इसको रिपेयर कर लेता हूँ भाई फटाफट, हो चुका है कितना, तीन ही हुआ है क्या, कोई नहीं हेल्प करने में, रात को सभी सोता है यार, ये क्या लेजी आदमी लोग, ये देखो जो कहाँ पे सो रहा है यहाँ पे। ठीक है यार इसको एक और बेड बना ही देता हूँ, ले भाई बेड पे सो जा। एक और पहले से बना के रखता हूँ, जितना भी आउटपोस्ट पे दूंगा तो उसके लिए बाद में अलग से जाके उसको बेड नहीं बनाना पड़ेगा, जितना अभी है उतना कर लेता हूँ, उसको बना देता हूँ फटाफट। तो चलो भाई इतना ही काफ़ी होगा शायद, तीन या दो मैंने पहले से बना रखा था, तो यहाँ पे तीन टोटल पांच हो चुका है। सो भाई कंप्लीट खाने का सामान, भाई लेवल 7 हो गया भाई, जल्दी से जल्दी 10 लेवल का हो जाता हूँ, मज़ा आ जाएगा। तो ठीक है गाइस, तो मैं फटाफट अपना जो स्टेटस है बढ़ा लेता हूँ, और यहाँ पे भी देख लेता हूँ क्या अनलॉक करने को मिलता है। अरे भाई एक और मिला है, अच्छा ये है भाई लाइटिंग टॉर्च भी मिला भाई, ये रात को काम आएगा, बहुत कुछ है यहाँ पे। तो भाई ये सब के बारे में बाद में आपको पता चलता रहेगा जैसे जैसे मैं क्राफ्ट करूँगा, हर चीज़ के बारे में आपको बताता रहूँगा किसका क्या इस्तेमाल है। तो पहले अपना जो भी है रिपेयर कर लेता हूँ फटाफट। सो गाइस मैंने रात भर जितना भी ये मटेरियल्स जितना स्टोर कर सकता था तो उतना कर चुका हूँ, और ये भाई काम कर रहा है, तो काम कर भाई, मज़ा आ गया इसको काम करते हुए देखते, सही काम कर रहा है भाई। मेरे को हर बार ज़रूरत पड़ेगा, अब जाना है मेरे को पोकेमॉन पकड़ने में भाई, क्या मस्त है गुस्से में देख रहा है भाई। सो गाइस आज का वीडियो इतने में रखता हूँ, फिर बाद में दिखाऊंगा कि वाटर पोकेमॉन में कैसे कैप्चर करता हूँ। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।